हैदराबाद की एक समलैंगिक जोड़े ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक समारोह में अंगूठी एक्सचेंज की और शादी के रिश्ते में बंधकर आधिकारिक बना दिया। निजी समारोह का आयोजन शनिवार को हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक रिसोर्ट में किया गया। समारोह में बंगाली और पंजाबी शादी की रस्में हुई, क्योंकि एक प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थान में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य सुप्रियो कोलकाता से हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी अभय दिल्ली से हैं। तेलंगाना में समलैंगिक पुरुषों की पहली शादी में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग अपने लगभग एक दशक लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंध गए। सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है। दोनों की लव स्टोरी 8 साल तक चली और फिर दोनों ने रॉयल अंदाज में शादी की। उन्होंने कहा कि हालांकि शादी को पंजीकृत नहीं किया जा सका, लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त इकट्ठा हुए। 31 वर्षीय सुप्रियो और 34 वर्षीय अभय ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और शनिवार को पास के एक रिजॉर्ट में हुए विवाह समारोह में साथ निभाने का संकल्प लिया। समलैंगिक जोड़े के दोस्त सोफिया डेविड ने ये शादी करवाई, जो कि खुद एक LGBT समुदाय से हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।